रामपुर से है, वहां पर सपा सांसद आजम खां अपनी पत्नी के लिए चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। आजम ने चुनावी सभा में एक बार फिर मोदी और योगी सरकार पर हमला बोला और लोगों से वोट की अपील की। योगी सरकार पर हमला बोलते हुए आजम ने कहा कि सरकार ने 25,000 होमगार्ड्स की नौकरी छीन ली बजट का हवाला देते हुए, और अभी 15,000 होमगार्ड्स की नौकरी और जा सकती है, ये भी उन्होंने कहा। उन्होंने खुद पर दर्ज हुए केसेस को लेकर भी योगी सरकार को आड़े हाथों लिया। आपको बताएं कि आजम खां की पत्नी तंजीम फातिमा रामपुर नगर विधानसभा से प्रत्याशी हैं और उनके लिए वो ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं। चुनावी सभा में उन्होंने होमगार्ड्स की नौकरी का मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा कि 25,000 होमगार्ड्स की नौकरी बजट की बात कहते हुए सरकार ने छीन ली और 15,000 की और नौकरी जा सकती है। इसके अलावा उन्होंने खुद का भी मुद्दा लोगों के सामने रखा और उन्होंने कहा कि उन पर केस पे केस लादे जा रहे हैं। अपना दर्द भी उन्होंने बयान किया लोगों के सामने इस चुनावी सभा में। ताबड़तोड़ चुनावी सभाएँ कर रहे हैं आजम खां अपनी पत्नी के समर्थन में, जो कि इन बाई इलेक्शंस में जो कि 21 तारीख को होंगे रामपुर नगर विधानसभा से वो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। मुल्क भाई बर्बादी की तरफ जा रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार नोबेल पुरस्कार होता है, उसको हासिल करने वाले ने कहा कि आज इस नोबेल पुरस्कार की खुशी का क्या जिक्र करूं, मेरा तो मुल्क ही बर्बाद हुआ जाता है। वह ऐसी आर्थिक मंदी है कि पता नहीं अगला साल कैसा साल होगा। सबसे पहले खबरें पाने के लिए एबीपी गंगा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए। फेसबुक पेज है www.facebook.com/abpganga। ट्विटर पर भी फॉलो कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है twitter.com/abpganga।